नालंदा के राजगीर स्थित नेचर सफारी से जीप लाइन राइडिंग का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक युवती हादसे का शिकार होते दिख रही हैं। युवती जीप लाइन राइडिंग के लिए 800 फीट ऊंचे टावर से नीचे आ रही थी, तभी अचानक से दूसरे छोर पर जाके वो टकरा गई। हालांकि बाकी सेफ्टी प्रोटेक्शन के कारण युवती को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो नालंदा के राजगीर स्थित नेचर सफारी में मंगलवार का है। युवती के टकराने के बाद अन्य पर्यटकों की सांसें अटक गई, नीचे खड़ी महिलाओं के मुंह से चीखें निकल गई। पर्यटकों ने किसी तरह युवती को नीचे उतारा। लोगों का कहना है कि वन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पर्यटक युवती की जान जा सकती थी। वहीं इस मामले में DFO कर्मचारी की गलती मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि लापरवाही का मामला नहीं है, वन कर्मी टावर पर थे, तेज गति से हवा के कारण कर्मी पर्यटक को दूसरे छोर पर नहीं पकड़ सके, इससे पर्यटक विपरीत दिशा में बढ़ गई। CCTV फुटेज की जाँच में कर्मचारी की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार से एक युवती जो है नेचर सफारी से जीप लाइन राइडिंग करती हुई दिख रही है और तेज़ी से आते हुए दूसरे छोर के एक पाए से जाकर के टकरा जाती है, फिर उसी दिशा में बढ़ जाती है जिस दिशा से वो आ रही थी। कहीं ना कहीं ये नेचर सफारी में लगे वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही है। हालांकि लापरवाही जो है वो वन विभाग इससे मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन नेचर सफारी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लगे कर्मचारी कभी ना कभी पर्यटकों से कभी भी अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पर्यटक उनके दुश्मन हैं। छोड़े चलते इस वीडियो के साथ, जुड़े रहिए न्यूज़ बायर के साथ में और जाते जाते हमारे चैनल न्यूज़ बायर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।